तो हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि हम इनको किस तरह से चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। गाइज, अक्सर ऐसा होता है जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं ट्रांसफार्मर लेने के लिए, या फिर हमारे पास कोई टीवी है जो कि बेकार हो गया है और उसमें से हम ट्रांसफार्मर निकालते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता गाइज कि ये जो ट्रांसफार्मर है वो सही है या फिर बेकार हो गया है। तो गाइज, इसी के बारे में ये जो वीडियो है वो बनाने वाले हैं और इसमें ही जानने वाले हैं कि किस तरह से हम इनको इजिली चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। और हम जो है आगे जाके इसमें जो है पूरा प्रोसेस इजिली जानने वाले हैं और मुश्किल से ये 5 से 6 मिनट की वीडियो बनने वाली है और इसमें हम जो है इसको इजीली चेक करना सीख जाएंगे और आगे तक लाइफ टाइम तक आपको जो है ये इजीली याद भी रहेगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो भाई, सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास जो है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो मेरे पास यहाँ पे 2 रखे हुए हैं। ठीक है, ये बड़े वाला है और ये छोटा है। ठीक है, तो अब मैं जो है इसको 1 by 1 करके चेक करूंगा, देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो है हम विदाउट इनको, हमें जो है ये किसी सप्लाई से भी कनेक्ट नहीं करने हैं और हम इनको इजीली फिर भी चेक कर लेंगे। गाइज, आपने जो है इसका अक्सर जो है इसका सिंबल देखा होगा ट्रांसफार्मर का, किस तरह का सिंबल होता है। नहीं देखा तो आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का जो है इसका यहाँ पे सिंबल मिलता है। तो ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, अब जो है हम इसको सबसे छोटे वाले को चेक करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को आपको क्या करना है, अगर आपको गाइज मल्टीमीटर चलाना आता है तो आपको पता होगा कि हम जो है इसको किस तरह से चेक करने वाले हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको जो है इसको कंटिन्यूटी पे यहाँ पे सेट कर देना है। गाइज, अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो आपको आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पूरे के पूरे चीजें मैंने इसमें बताई हुई है कि किस तरह से आप मल्टीमीटर को इजीली चला सकते हैं और कोई से भी कंपोनेंट को किस तरह से इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको जो है ये कंटिन्यूटी पे यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, इसको बजर भी बोलते हैं, यहाँ पे डायोड भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपकी ये जो 2 प्रोब्स है इसको सबसे पहले जो है लगा के देखिएगा कि इसमें से जो है मल्टीमीटर से बीप की साउंड आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसकी जो है बीप की साउंड इजीली आ रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने आपको जो है इसमें सिंबल दिखाया था इसका, यानी इसका जो है डायग्राम दिखाया था कि किस तरह का इसका सिंबल होता है। इसमें जो है सेकेंडरी और प्राइमरी जो कॉइल्स हैं वो लगी होती हैं, वो जो है एक दूसरे से अटैच नहीं होती है, तो हम जो है इसी का फायदा उठाने वाले आएंगे। तो गाइस, चलिए सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, आपको ये तो पता ही होगा कि जो प्राइमरी कौन सी होती है और सेकेंडरी कौन सी होती है। प्राइमरी गाइस वो होती है जिसमें आप एसी सप्लाई देते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखते हैं मेरे हाथ में रखी हुई है। इसके जो है ज्यादातर जो रेड वायर्स है इसको ही इससे ही बनाई जाती है। ठीक है, इससे इजीली आप इनको जो है पता कर सकते हैं, या आपको जो है कोइल भी आप इसकी चेक कर सकते हैं, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है, तो उससे पता चल जाता है कि सेकेंडरी कौन सी है और प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो कौन सी है। ठीक है, चलिए अब हम जो है प्राइमरी को चेक करने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना है, करने के बाद आपको जो है ये जो दोनों इसकी प्रोब्स हैं इसको लेना है, लेने के बाद आपको जो है इन दोनों पे अलग अलग करके लगा देना है, इस पे लगाना है और इस पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं मल्टीमीटर ने जो है कुछ यहाँ पे मुझे जो है कंटिन्यूटी दी है। यहाँ पे आप देखते हैं बीप की साउंड तो नहीं आ रही है, पर इसमें जो है कुछ हमें रीडिंग्स ने शो कर दी है। तो भाई, इसका मतलब जो है हमारी ये जो प्राइमरी जो कॉइल है वो इसकी सही है, मतलब कि ये जो गाइस ये हमें कोई भी आपको जो है यहाँ पे कोई ना कोई कंटिन्यूटी यहाँ पे शो करवानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ नंबर शो करना जरूर चाहिए आपके में, अगर आपके पास कोई दूसरा है तो आपके में कुछ और नंबर शो कर सकता है, पर गाइस नंबर अगर शो करता है तो आपकी जो है प्राइमरी वाइंडिंग सही है, और अगर नंबर शो नहीं करता है तो गाइस इसका मतलब आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो ही बेकार हो गई, मतलब कि टूट गई है, वो भी मैं आपको किस तरह से आगे बताऊंगा। ठीक है, आपका एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं जो कि है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ठीक है, जो कि हमने प्राइमरी तो अभी चेक कर ली थी, सेकेंडरी पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है 2 वायर्स निकले हुए हैं, इसमें भी ऐसी है 2 वायर्स जो है इसमें भी निकले हुए हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसको भी इस तरह से चेक करेंगे, इस पे लगाया था और इस पे लगाया था। तो गाइज आपने देखा इसमें से जो है कंटिन्यूटी जो है इजीली आ रही है और आवाज भी इसमें आ रही है। तो गाइज आपको जो है जब आप सेकेंडरी वाइंडिंग को चेक करें तो आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें जो है कंटिन्यूटी भी शो करनी चाहिए और रीडिंग भी उसमें कुछ ना कुछ शो जरूर करनी चाहिए। अगर आप नहीं करती है तो इसका मतलब जो है इसमें से जो कॉइल है इसकी वो ब्रेक हो गई है और आपको जो है वो जो है बदलना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको जो है ये जो ट्रांसफार्मर है मतलब कि ये सही है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आपके में 3 वायर्स है तो आप जो है इस पे बीच वाले पे भी लगा के देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं इसमें भी जो है कंटिन्यूटी इजिली शो कर रहा है, तो मतलब कि हमारा ये जो है जो ट्रांसफॉर्मर है वो 95% अभी सही है, अभी 100% सही नहीं है, अभी हम देखने वाले हैं। एक और स्टेप बच गया है, 3 स्टेप में हम जो है इसको पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको जो भी पहले डायग्राम दिखाया था जो इधर की वाइंडिंग हो रही थी और जो है इधर की वाइंडिंग भी हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं ये वाली वाइंडिंग और ये वाली वाइंडिंग एक दूसरे जो है मैच नहीं करती है, क्योंकि जब ही इनमें जो है ट्रांसफॉर्मर बनता है, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बाद ही इसमें जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड से जो है आगे होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपको जो है उस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वायर्स को लेना है या फिर एक एक भी ले सकते हैं। दोनों वायर्स को लेने के बाद यहां से आप ले लीजिए। ठीक है, दोनों वायर्स को इस तरह से ले लेना है। अब आपको जो है अगले वाले जो वायर्स हैं इसके ये वाले, ठीक है, आपको इनमें से 1 by 1 हर किसी वायर पे टच करके देखना है कि इसमें जो है कोई कंटिन्यूटी तो नहीं आ रही है यहाँ पे, या फिर कोई रीडिंग तो शो नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो मतलब कि सही है, और अगर कर रहा है तो मतलब ये बेकार हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें तो अभी जो है ये वाला ये जो है नहीं कर रहा है शो, अब इसमें देखते हैं एक बार।
तो इस वाले में भी अभी शो कुछ भी नहीं कर रहा है, अब इस वाले में देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो है इसने कुछ भी शो नहीं किया है, तो मतलब कि हमारे जो वाइंडिंग है वो दोनों ही परफेक्ट हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग भी अच्छी है और प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो भी हमारी सही है। तो इसका मतलब हमारा जो है ये 100% ये जो है हमारा बिल्कुल सही है, वर्किंग कंडीशन में है। अब आप इसको जो है इजिली सप्लाई में लगा के चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको ये मेन सप्लाई में लगाने के बाद उसके बाद आप करंट यहां से चेक करते हैं यानी वोल्टेज जो है चेक करते हैं तो इजिली इसमें जो है वोल्टेज 100% आने वाली है। ठीक है, अब हम चलिए इस वाले को चेक करके देखते हैं कि इसमें जो है आ रही है फिर नहीं आ रही है। मैंने आपको बोला था कि यहां से जो है इसमें जो कुछ वायर्स होते हैं वो यहां से ब्रेक हो जाते, तो आपको जो है उस चीज का इसमें ध्यान जरूर रखना है। जिस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं इसमें जो है वायर यहां पे जो है कट चुके थे, पर मैंने जो है इसको सोल्डर लगा के जो है इजीली जोड़ दिया है। चलिए अब जो है मैं इसको एक बार चेक करने वाला हूं, मैंने इसको जो है कभी यूज नहीं किया है, देखता हूं इसमें जो है क्या रिजल्ट शो करता है। तो सबसे पहले मैंने जो है इसके, चलिए सबसे पहले मैं जो है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग ले लेता हूं। ठीक है, जिस तरह से हमने पहले वाला किया था उस तरह से आपको ये वाला भी कर लेना है। तो यहां पे आप देखते हैं इसमें जो है कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है और यहां पे जो है इसने मुझे यहां पे जो है कुछ रीडिंग्स भी इसने शो करा दी है। तो इसका मतलब ये भी हमारा जो है अभी फर्स्ट स्टेप जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, इसने भी हमें कुछ कंटिन्यूटी शो कर दी है। अब देखते हैं दूसरी वाली को, यानी जो है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसको देखते हैं कि इसमें भी कंटिन्यूटी शो करता है या फिर नहीं करता है। तो यहां पे आप देखते हैं इसने जो है इजिली इसमें जो है कंटिन्यूटी शो कर दी है, तो इसका मतलब हमारा जो है ये सही है। ठीक है, इसकी जो है दोनों वाइंडिंग अभी सही है। और तीसरा स्टेप देखते हैं इसको, इन दोनों को आपको जो है ले लेना है, लेने के बाद आपको जो है इसमें 1x1 भी कर सकते हैं या फिर अलग एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने लगा दिया इसको और अब मैं जो है इसको एक बार इस पे लगा के देखता हूं 1x हर किसी पे अलग अलग करके देखेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी इसमें जो है कोई कंटिन्यूटी शो नहीं की है और इसमें देखते हैं। चलिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं इसमें भी कोई कंटिन्यूटी इसने अभी तक शो नहीं की है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला भी ट्रांसफॉर्मर जो है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, अब आप इसको इजीली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और गाइस एक बात और है, अगर आपको इनके एम्पियर चेक करने नहीं आते हैं, मान लीजिए आपको जो है यहां पे आप देख सकते हैं 909, ठीक है, मतलब कि ये जो है हमारा 18 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है, आप जो है इससे 9 वोल्ट भी ले सकते हैं और 18 वोल्ट भी आप इससे इजीली यूज कर सकते हैं। पर गाइस आपको जो है इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो है कहीं भी कुछ नहीं लिखा है, और आप किस तरह से पता करें कि कितने वोल्ट का है कितने एम्पियर का है। गाइस अगर आप इसको इसके ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज एवं नीचे जरूर कमेंट करना, मैं जो है इस पे एम्पियर किस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मर के कितने एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है, इसी के बारे में अगली वीडियो जो है आने वाली है। तो गाइस मैंने जो है आपको इस वीडियो में बताया कि किस तरह से आप जो है जो ट्रांसफॉर्मर है उसको इजिली चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से। गाइस तीन स्टेप में हमने जो है पूरा पूरा जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है हमने जो है उसको इजीली चेक कर लिया है। और गाइस एक बात और है, अगर आप इस स्टेप में से कोई सा भी स्टेप मिस हो जाता है तो गाइस इसका मतलब वो जो है ट्रांसफॉर्मर बेकार हो गया है। मैंने जो है बिल्कुल जेन्युइन यहां पे तरीके बताए हैं आपको, और अगर आप इसको सप्लाई में लगाने के बाद उसके बाद चेक करते हैं तो आपको जो है वही रिजल्ट यहां पे शो करने के लिए मिलेगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को एक बार विजिट करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जो है इसको डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।